बागली चापड़ा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले 30 मार्च से किसानों द्वारा हाटपिपलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन उक्त धरना प्रदर्शन में महिला नारी शक्ति बड़ी संख्या में शामिल हुई। गुरुवार के दिन बागली विकास खंड के प्रत्येक गाँव से बड़ी संख्या में महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची और पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा उक्त योजना को लेकर चर्चाएं की गई। वहीं उक्त धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रांतीय महिला संयोजक वैशाली मालवीय सुभद्रा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला कंठाली मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण बातें महिलाओं को बताई। इसी दौरान मातृशक्ति द्वारा शासन प्रशासन द्वारा बागली विधानसभा क्षेत्र से जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके विरोध में धरना स्थल से चापड़ा चौराहे तक चिलचिलाती धूप में सड़क पर पैदल रैली निकालकर चौराहे पर पहुंची, जहां पर शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शासन प्रशासन के नाम की मटकियां फोड़ी गई। मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आना शुरू हुआ था उस वक्त, अच्छा अच्छा, तो जब मानव समाज की शुरुआत हुई थी, स्थल से लेकर चापड़ा चौराहे तक महिलाओं ने रैली निकाली है और वहाँ पर खाली मटके फोड़ी है। हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आप हमारी मांगें पूरी करें, वरना फिर चीज़ें जो होगी सही नहीं होगी। अगर हमें जाना पड़ा तो भोपाल तक भी सारी मातृशक्ति इकट्ठी होकर जाएगी। प्रदर्शन का कौन सा दिन है, उन्हें अपराध महिला बड़ी संख्या में शामिल हुई। भारतीय किसान संघ का आज धरने का तीसरा दिन है। हम बागली विकास खंड के चापड़ा में इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर नर्मदा की मांग के हेतु यहां पर तीन दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि हाटपिपलिया माइक्रो सिंचाई उद्वहन जो योजना बनी है, उसको जल्द से जल्द प्रशासनिक मंजूरी दी जाए एवं उसको टेंडर प्रक्रिया में लाया जाए। इसलिए हमारा तीसरा दिन माता बहनों का आह्वान किया था और माताएं बहनें हमें सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे इस धरने में आज पधारी है। वो माँ नर्मदा को हमारा पानी मिलना चाहिए हमें, और जो हमारे यहाँ से बचा हुआ पानी वो राजस्थान की तरफ आगे जाना चाहिए। क्या आज यहाँ पे मटकी फोड़ी गई, किसके खिलाफ क्या है? ये जो ये शासन है, ये जो हमारी सुनवाई नहीं करते, उनके नाम की मटकी फोड़ी गई जो चौराहे पर फोड़ी गई है। आगे भी क्या महिलाएं इस प्रकार आंदोलन इस जो प्रदर्शन में शामिल रहेंगी? हाँ रहेंगी, अगर यहाँ तक सुनवाई नहीं होगी तो आगे तक जाएंगे, भोपाल तक जाएंगे, और ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, ये धरना जारी रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।